हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। स्टूडेंट्स, मोस्ट अवेटेड एग्जाम यानी एसएससी डीडी जो है उसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आज से फिल होना। अब कौन सी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया किताबें हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव ये आ सकता है कि थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अच्छा आ सकता है, जिसके लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात है, पिछले साल बहुत ज़्यादा हंगामा कटा था आप सभी को पता है, क्योंकि मेरिट जो है हाई कर दी गई थी। और अगली बात तो ये है कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना ही है। एग्जाम बहुत आसान होता है, बस ये कि बच्चे उसको एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। एग्जाम को क्लियर करने के बाद फिर बात आती है फिजिकल की, फिजिकल नहीं कर पाते। तो भैया बहुत बढ़िया चांस है, थोड़ी सी मेहनत लगा दो, थोड़ा सा दम लगा दो। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़िया सी किताबों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब की बार तो वैसे भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें लेके आई हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो देखिए यहाँ पे किताब रखी है जो करंट अफेयर की, हिंदी और इंग्लिश के लिए कौन सी दोनों साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, हिंदी में आपको एडुटेरा पढ़नी है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर बहुत बढ़िया है, पूरा करंट अफेयर एडुटेरा का पढ़ना है। ठीक है, 2021 पूरा, और ये वन लाइनर है आपकी, आई सक्सीड की आर्यन की बुक है, ये इंग्लिश में पढ़नी है। ये वाले आपको इंग्लिश में पढ़नी है, ये वाले आपको हिंदी में पढ़नी है, मतलब हिंदी मीडियम वाले ये वाली पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जी मैथ्स, अंकगणित की बात करें तो अंकगणित जो है वो आपको ये वाली लेनी है, अरिहंत वाली। ठीक है, अरिहंत वाली अंकगणित लेनी है आपको, अर्थमेटिक लेनी है। और आपको एक बात और मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि बिना कोचिंग के आप लोग मैथ्स जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, मतलब जो किताबें मैंने बताई है अगर आप सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी बहुत सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, मेरा खुद का पढ़ा हुआ है साइंस बाय प्रिया मैम पे, तो उससे हेल्प ले सकते हो आप लोग। हालांकि ये किताब है एक, ये वाली तो आपकी हिंदी में है और ये वाली इंग्लिश में, दोनों ही अरिहंत की किताबें हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात आती है रीजनिंग की, है ना, तो रीजनिंग के लिए कौन सी किताब पढ़े। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए एक ही किताब आती है और वो आती है अरिहंत की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। ठीक है, अभी तो मैं इंग्लिश में पढ़े हुए हूँ लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग की किताब और हिंदी में ऐसी मिलेगी ये वाली, तो ये हिंदी की है। ठीक है, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति। ठीक है, और ये वाली जो है इंग्लिश में है, तो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर हो गया। अब उसके बाद आ जाती है हिंदी। देखिए इसमें एक चॉइस है, ठीक है, आप हिंदी, हिंदी वाले तो हिंदी ले ही सकते हैं लेकिन इंग्लिश छोड़ सकते हैं, मतलब एक चॉइस है हिंदी इंग्लिश की, तो उसके लिए आप रीसेंट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है जीएस की, तो जीएस की किताब यहाँ पे रखी हुई है महेश कुमार बनवाल की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव किताब है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जीएस के लिए इंग्लिश में ये ले सकते हो आप और हिंदी में ये वाली आप ले सकते हो पुस्तक, एनसीईआरटी 6-12 महेश बनवाल की, ये वाली एसएससी जीडी की। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत बढ़िया किताब है। उसके बाद में अब लास्ट आप लोगों को क्या करना है, इतनी किताबें जो किताब आप देख रहे हो, अगर कैमरामैन हमारे इधर को किताब की तरफ करे, तो ये किताब अगर आप देख रहे हो, इन किताबों को पढ़ने के बाद जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, इनके बाद आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट मारना है, और आप प्रैक्टिस सेट मारिए अरिहंत का। अरिहंत का थोड़ा ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट माना जाता है जीडी के लिए। ठीक है, तो जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट मारिए, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ठीक है, ये तभी मारिएगा, ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए। मार्केट में और भी प्रैक्टिस सेट आप वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये एडवाइस दे रही हूँ, इसे करने के बाद आप और भी कर सकते हो, लेकिन बशर्त बात यह है कि आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। पेपर बहुत आसान होता है लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या किसी बात के बारे में पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बात को बता सकते हो। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा आप लोगों का, इससे समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब ये बुक जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो ये बुक मिलेगी आपको राय बुक शॉप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर होगा। बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं लोग सुबह सुबह के समय में, ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कस्टमर्स जो है फिर वो टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनका एक नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको पूरे भारत में इसकी डिलीवरी मिल जाएगी आसानी से, जहाँ आप बोलोगे ना ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी किताबें देंगे, पकड़ पकड़ के तुम्हारी किताबें देंगे। बस बात यह है कि तुम्हें एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। राय बुक शॉप पे आपको ये किताब मिलेगी और बढ़िया दामों पे मिलेगी, और सिर्फ अपने मैम का नाम ले लेना कि भैया प्रिया मैम का वीडियो देख के आए हैं और भैया किताब दे दो, तो हो सकता है कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाए आपको, जरूर मिलेगा, एक बार नाम लेके देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।